हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल किचन एंड केयर पे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गोभी गाजर शलजम के खट्टे मीठे अचार की रेसिपी। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। और इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप भी अपने घर में आराम से गोभी गाजर का ये मीठा अचार बना के स्टोर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए है आधा किलो गाजर, आधा किलो शलजम और आधा किलो गोभी। इन सभी को मैंने अच्छी तरह से धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और उसके बाद मैंने इन सभी को एक दिन की धूप दिखा ली है। अगर आपके यहाँ धूप दिखाने के लिए जगह ना हो तो आप इसे फ़ैन में भी सुखा सकते हैं। फ़ैन में आप इसे एक दिन के लिए छोड़ दें फ़ैन चला के, और उससे भी इसका सारा जो मॉइस्चर है वो सूख जाएगा। अगर आपको लगे कि एक दिन में ये अच्छी तरह से नहीं सूखी है तो आप इसे एक से ज़्यादा दिन की भी सुखा सकते हैं, बट एक दिन में जनरली ये सूख जाती है। हमें इसे अच्छी तरह से सुखाना है ताकि इसमें मॉइस्चर ना रहे और ये जो अचार है वो ज़्यादा दिन तक स्टोर हो सके। तो आइए मैं इसमें क्या क्या मसाले यूज़ करूँगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो मैंने मसाले यूज़ किए हैं उनमें मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 मैंने यहाँ पे ली हैं लौंग, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ा चम्मच मैंने सौंफ लिया है, थोड़ा मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 बड़े चम्मच जीरा, 1.5 चम्मच मैंने राई ली है, 1/2 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन लिया है। इन सभी मसालों के साथ मैं इस अचार को बना के तैयार करूँगी। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है ये 1/2 बड़ी कटोरी मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, क्योंकि ये अचार हम खट्टा मीठा बनाएंगे तो इसमें मैं गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चीनी के साथ भी बना सकते हैं, बट जनरली मीठा अचार गुड़ के साथ ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे मीठे के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ये 1/2 बड़ी कटोरी गुड़। इसके साथ ही खट्टा करने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है यहाँ सिरका। सिरका आप किसी भी क्वालिटी किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और इसके बाद हमें ये जो गुड़ है उसमें सिरका डाल के इन दोनों को रख देना है ताकि जो गुड़ है वो सिरके में थोड़ा घुल जाए। तो यहाँ पे मैंने जितनी क्वांटिटी में गुड़ लिया है उतना ही मैं सिरके का यूज़ कर रही हूँ, मतलब कि 1/2 कटोरी ये गुड़ है तो मैंने इसमें 1/2 कटोरी ही सिरका यूज़ किया है। तो इतने सिरके में मैं इसे भिगो के रख दूँगी जब तक कि हम बाकी की प्रिपरेशन करेंगे, उतनी देर में ये जो गुड़ है सिरके में अच्छी तरह से भीग जाएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले जितने सारे मेरे खड़े मसाले थे उनको मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे हमें जो मसाले हैं उन्हें लो फ्लेम पे धीरे धीरे रोस्ट होने देना है। हमें इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, जैसे ही ये थोड़ा सा कलर चेंज करने लगेंगे, मसाले थोड़े से चटकने लगेंगे, बस उस स्टेज पर आपको यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देना है। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का, और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ली हैं। लहसुन और अदरक डालने से इस अचार में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इन दोनों को ही मैंने अलग अलग कूट लिया है। और ये जो मसाला है इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसे हम दरदरा पीस लेंगे। तो पीसने के लिए यहाँ पे मैं इसे मिक्सी के जार में शिफ्ट कर लूँगी। मैं इसे बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसूँगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसका एक दरदरा पाउडर बना के तैयार कर लिया है। तो आइए अब हम हमारा अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। अचार बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरी तेल यहाँ पे डाला है, ये 1 छोटी कटोरी तेल है। और जैसे ही ये तेल गर्म हो गया यहाँ पे मैंने डाले हैं 2 तेज़पत्ते, और उसके साथ ही जो लहसुन अदरक हमने कूट के रखा था वो लहसुन अदरक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 चम्मच हींग। लहसुन अदरक को हमें थोड़ा सा भून लेना है ताकि लहसुन अदरक थोड़ा सा पक जाए और उसका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा कम हो जाए। के बाद हम इसमें गोभी गाजर और शलगम को ऐड करेंगे और इन सभी को हम हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें यहाँ पे इसकी सब्ज़ी नहीं बनानी है तो हमें इसे कुक नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमें इसे भून लेना है
ताकि ये जो तेल है वो अच्छे तरह से सब्जियों में पहुंच जाए। और उसके बाद हम इसमें हमारे जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं मसालों में सबसे पहले ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, इसके साथ ही 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच से ज़्यादा मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाला है, और उसके साथ ही जो मसाला हमने बनाया था अचार के लिए वो सारा ही मसाला मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इन सभी को हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ गुड़ और सिरके का घोल जो हमने बनाया था। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। यह अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार नमक, और आप इस अचार को आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे 5 मिनट तक के लिए कुक करूँगी और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दिया है मैंने। और यहाँ पे जो हमारा अचार है वो बन के तैयार है। जैसे जैसे ये अचार मैच्योर होगा, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता जाएगा और इसका जो कलर है वो डार्क होता जाएगा। और यहाँ पे हमारा ये जो गोभी गाजर का अचार है खट्टा मीठा, वो बन के तैयार है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अपनी एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।